नमस्कार किसान साथियों, मैं रविंद्र पाटीदार सोमनाथ क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ क्रॉप केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम मुलाकात करेंगे ग्राम चुनाबाटी कानवन के हमारे किसान मित्र से, जिन्होंने अपनी सोयाबीन की क्रॉप में सोमनाथ क्रॉप केयर के कौन से प्रोडक्ट का उपयोग किया और क्या उन्हें परिणाम देखने को मिले। तो आइए हम उन्हीं से मुलाकात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो आज हम आपसे मुलाकात करने आए हैं हमारे YouTube चैनल पर सोमनाथ क्रॉप केयर पर। तो आप ही बताइए कि कब से आप सोमनाथ कंपनी के साथ जुड़े हैं और आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे क्या देखने को मिले? मेरा नाम महेश माली, ग्राम चुनाबाटी, तहसील बतनावर, जिला धार, मोबाइल नंबर 7000218384। मेरे को करीब सोमनाथ से जुड़े हुए 4 साल हो चुके हैं और हमने फर्स्ट में किसान संबंधी कीट की जो बाल्टी वो हमने लहसुन की हमारी क्रॉप में डाली थी। हमारी लहसुन डैमेज ज्यादा थी तो हमने डाली थी, तो उससे उसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, तो थोड़ा हमें विश्वास हो गया। हाँ। कुछ प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा, तो हमारी जो बाकी की लहसुन थी उसमें भी फिर हमने डाला, उपयोग किया। हाँ, उपयोग किया, वो भी अच्छा लगा थी। तो वहां से थोड़ा विश्वास हुआ हमको, सोमनाथ का कुछ प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद हमने प्याज लगाई थी, प्याज लगाए थे, प्याज में हमने सोयल सील का उपयोग किया, जो पाउडर बेस्ट आता था, पाउडर बेस्ट आता था, हाँ, उसका उपयोग किया है। तो प्याज में भी उसके रिजल्ट अच्छे आए। अच्छा, वो अपने इसके सोयल सील के। उसके बाद फिर हमने सोयाबीन का उपयोग किया। सोयाबीन में उपयोग किया तो उसमें भी हमने सोयल सील का उपयोग किया। कितने बीघे में कितने बीघे डाले आपने? 70 बीघे में डाले थे, 50 बीघे। 70 बीघे में 50 बीघे डाले थे। अच्छा, आपको सोयल सीवियर से सोयाबीन में क्या फर्क दिखा अन्य रासायनिक खाद की तुलना में? हाँ, हमने सोयल सीवियर डालने के बाद सोयाबीन में दूसरा कोई भी खाद नहीं, कुछ भी खाद डाला ना हमने, ओनली सोयल सीवियर डाला है। तो उससे क्या है कि हमेशा लगा कि जैसे हमारी मिट्टी जो खेत हमारा जो हार्ड हो जाते हैं, वो एक तो हार्ड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल मुलायम मुलायम बिल्कुल मुलायम पौधा अच्छा है। अच्छा, जड़ ग्रोथ अच्छी है और जो भी फलिया वगैरह है बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छा, उसका उपयोग बहुत अच्छा लगा हमें, उसका रिजल्ट अच्छा आया। उसके बाद हमने सोयाबीन में भी ये अपने सिक्सर डाला था, तो इस पर भी रिंग कटर वगैरह की कोई शिकायत नहीं। उसके बाद सिकर डाला, उसके बाद स्टीलो डाला, तो अच्छा रिजल्ट कुछ हमें अच्छा। इसके अलावा कोई दवाई दूसरी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, अच्छा, आपने सिक्सर प्लस डाली, उसके बाद शिखर डाली और उसके बाद एस्टेलो डाली, किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट आपको अपनी फसल में नहीं दिखा? येलो वजह की समस्या कोई नहीं दिखी? कोई नहीं दिखी। अच्छा, किसी प्रकार की कोई भी टाचे आपको नहीं दिखी और सोयल सीवियर से भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो आप हमारे जो अन्य किसान साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें क्या सलाह देंगे प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में? यही सलाह देना चाहता हूँ कि एक बार उपयोग जरूर करें, अन्य दवाई के मुकाबले इसका खर्च भी कम आ रहा है, खर्च भी कम, रेट भी कम है, रेट भी कम, काम भी अच्छे हैं, काम भी अच्छे। इस बार अच्छी अच्छी दवाई जो कंपनियां की फेल हो चुकी थी सोयाबीन में, इली वगैरह बहुत ज्यादा अटैक था, तो हमने तो यही छाटी थी, हमारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्च भी कम, खर्च भी कम और उत्पादन भी अच्छा, नुकसान भी नहीं, नुकसान भी नहीं। तो एक बार उपयोग जरूर करें। तो किसान साथी, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे किसान मित्र भैया महेश जी राठौड़ जी ने सोमनाथ कंपनी पर पिछले 4 वर्ष पूर्व अपना भरोसा जताया था, किसान समृद्धि किट का उपयोग किया था, उसके बाद से कंटिन्यू 4 वर्षों से सोमनाथ कंपनी के प्रोडक्ट का उपयोग करते आ रहे हैं। इस वर्ष इन्होंने सोयल सीवियर का भी उपयोग किया जिसके इन्हें काफी अच्छे परिणाम अपनी फसल में देखने को मिले। तो आप सभी किसान बंधुओं से भी यही निवेदन है कि अपनी किसी भी क्रॉप में सोमनाथ कंपनी के कोई से भी प्रोडक्ट का कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म करके उन प्रोडक्ट को अपनी फसलों में उपयोग करें या कंपनी के अधिकारी से संपर्क करके प्रोडक्ट को अपनी फसलों में उपयोग करें ताकि आपको कम खर्च में अच्छा मुनाफा हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय सोमनाथ, जय जवान, जय किसान।